गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। मैं शीनम रहेजा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। पूजा, हाय नितिका, आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी, हेलो नितिका, हाय सुखप्रीत, जीनिया, नीलम, नेहा, जसिमरत कौर, मुस्कान, हरजिंदर, एनी एंड ममता बंसल। गुड इवनिंग रविंदर ताकी जी। नमस्ते प्रीत जी, लेट हो गए आप। गुड इवनिंग साजन। हाँ जी पुलर साहब, कैसे हैं? आज की क्लास में हम 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ली हंट और मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट पे। बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस बने हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये दोनों देखने में तो लगता है कि बहुत ही इजी राइटर होंगे, बट इनके क्वेश्चंस उतने ही डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है। मैं भी ठीक बा। हाँ जी सुखप्रीत, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, आप भी अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए चैनल, और आप बता सकते हैं उनको कि क्या ऑफर चल रहा है। ऐप पे जाके आप रेट वगैरह, कोर्स वगैरह सब देख सकते हैं उसमें। जी सत श्री अकाल प्रभजोत जी, 2-3 दिन से आप आए नहीं हैं क्लास में। हेलो अभिलाषा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट राइट एंड पब्लिश? बताइए। मेंस राइट्स, लाइफ एज अ सर्फ, अ विंडिकेशन, लाइफ लाइफ एज अ स्टे एट होम मदर। जी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। जी बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बट इसमें भी ये ध्यान देखना है, MAN वाला वुमन आएगा, वुमन। ठीक है, वुमन, EN नहीं आना था, AN आएगा। चलो, वट वॉज वन ऑफ हर पोलिटिकल बिलीव्स? क्या वो मानती थी अपने जो उसका एसे था उसके अंदर वो वुमेन के लिए क्या सोचती थी? वुमेन शुड बी ट्रीटेड बैडली, मैन शुड बी ट्रीटेड बेटर, मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, वुमेन शुड हैव मोर राइट्स देन मैन। बताइए क्या मानती थी वो? ओ ऑफ कोर्स अलीशा, हिम्मत वाली क्या बात है, बच्चे अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं। मैच फिर भी होता रहेगा और पता ही है इंडिया ने ही जीतना है। ठीक है, तो अभी 10 मिनट की क्लास लगाने से कुछ नहीं हो रहा, अभी इंडिया बैटिंग करेगी तब तक आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। जी हाँ जी, हरजिंदर जी बता देंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। चलिए, व्हाट इज वन ऑफ द बुक्स शी मेड? अब देखो, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं और सीधा सीधा यही पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी बुक एक मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट की थी। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसी तरीके से ही बनते हैं कि उसमें से इसकी कौन सी बुक नहीं है या बुक है। हाँ जी, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। वट ईयर वॉज दिस बुक पब्लिश्ड? बताइए, अब यही बुक कब पब्लिश हुई थी, इसकी डेट ज़रूर याद रखनी है, ज़रूर याद रखनी है इसकी डेट। हाँ जी नीलम बिल्कुल ठीक, नीलम बहुत अच्छा कर रही है, फिर भी घबराती रहती है बस कि कैसे होगा, दो दो राइटर दे दिए कैसे होगा, बस घबराती ज़्यादा है, कर लेती है आंसर बढ़िया तरीके से। 1792, वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। चलिए, हुज राइटिंग्स वॉज दिस वर्क आर रिस्पॉन्स टू? अभी अभी जो वर्क के बारे में बात कर रहे हैं वो उन्होंने किसको रिस्पॉन्ड करके लिखा था? गुड इवनिंग शगन सिद्धू। हाँ जी नीलम, देखो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पता है, आपको पता है आगे क्वेश्चन कौन सा आना है, फिर भी आप आंसर दे लेती हैं। यस, एडमंड बर्क, ए ऑप्शन। यस, इसकी बुक का नाम आपको याद है, रिफ्लेक्शंस ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ये कब आया था? 1790 में। जी, वुलस्टोन क्राफ्ट हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड विच वर्क बिफोर विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन? इससे पहले वो कौन सा एक वर्क ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी थी? चारों ऑप्शंस देखिए और बताइए कौन सा वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हैं। हाँ
नहीं मुस्कान, लिंक तो बहुत टाइम हो गया डालने को, आई थिंक 4 बजे ही लिंक तो डाल दिया था। और लिंक की वेट मत किया करो, आपको पता ही है यूट्यूब चैनल कौन सा है, आपने बेल आइकन अगर प्रेस किया हुआ है जैसे ही लिंक डलता है आपको नोटिफिकेशन आ जाता है यूट्यूब से भी। तो ज़रूरी नहीं है कि टेलीग्राम पर लिंक डलेगा तभी आप क्लास में आओगे। ए ऑप्शन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, मैन भी इन्होंने लिखा था, वुमेन भी इन्होंने लिखा था, और यहाँ पर मैन की बजाय मैन आएगा, MEN मैन, और यहाँ पर वुमन आएगा। चलिए फुल टाइटल क्या था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन का? नहीं नीलम, डरने वाली कोई बात नहीं, आपका पेपर पक्का क्लियर होना है, बस विश्वास रखो और जो जो होमवर्क देती हूँ उसको रूटीन में करते रहो। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन का सब टाइटल यानी कि फुल टाइटल क्या है वो बताइए। हाँ जी गुरलीन, वेरी गुड, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जिनको नहीं आता था तो अब इसी का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना इसको। हाँ जी प्रीत जी, ए आंसर आएगा, वेरी गुड। अभिलाषा, जीनिया, पूजा, ममता जी, नूतन बिल्कुल ठीक। हाँ जी कोई बात नहीं, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये इसका पूरा टाइटल था। हाँ जी स्तुति, हाँ जी हो जाएगा, अभी तो जब रिवीजन शुरू होगी ना तब मैं आपको ना एमसीक्यू स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगी, तब स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगी एमसीक्यूज, आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर खुद से क्वेश्चन लिखूंगी और बिना ऑप्शन के आपको तब आंसर देने होंगे। रिवीजन बहुत बढ़िया चलने वाली है। हु इज द ऑथर ऑफ मेमोयर ऑफ द ऑथर ऑफ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इसका मेमोयर किसने लिखा था? यस, उनके हस्बैंड ने लिखा था, विलियम गॉडविन ने। जी हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ जी पूजा, आगे उनकी डेडिकेशन के बारे में बात करेंगे कि किसको डेडिकेट किया था। हु इज़ द मदर ऑफ फेमिनिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, मदर ऑफ फेमिनिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, मैरी शैली, सावित्री बाई फुले, वर्जीनिया वुल्फ। जी ऑप्शन बताइए, आंसर करिए, मदर ऑफ फेमिनिज्म कौन कहलाई जाती हैं? वेरी गुड, ए मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट को बोलते हैं मदर ऑफ फेमिनिज्म। हाँ जी नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ फेमिनिज्म इन लिटरेचर, मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट, मैरी शैली, सावित्री बाई फुले, वर्जीनिया वुल्फ। 10th नंबर लिख के आंसर करना ताकि पता लगे आप 9th का आंसर कर रहे थे या 10th का कर रहे हैं। फाउंडर कौन है फेमिनिज्म की? हाँ जी बिल्कुल ठीक नीलम, फाउंडर भी यही है, मदर ऑफ फेमिनिज्म आ जाए, फाउंडर ऑफ फेमिनिज्म आ जाए, आंसर क्या आएगा? मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट। तो दोनों क्वेश्चन इसलिए डाले आप कंफ्यूज ना हो। हु इज द मदर ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया, इंडिया की मदर ऑफ फेमिनिज्म कौन है? तो इंडियन नेम किसका है यहाँ पर? सावित्री बाई फुले का, ठीक है, ये इंडिया की फेमिनिज्म है, आपको इंडियन लिटरेचर भी है एग्जाम में तो इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया, ठीक है। एफ सावित्री बाई फुले कौन है? इंडिया की मदर ऑफ फेमिनिज्म। चलिए बताइए, हु आर्ग्यू दैट अ वुमेन डजंट नीड अ रैशनल एजुकेशन, कि इसमें कौन कह रहा है कि लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, एंड दैट वुमेन शुड बी एजुकेटेड फॉर द प्लेजर ऑफ मैन, कि अगर उनको पढ़ाया भी जाए तो जितना आदमी इजाजत देता है उतना ही वो पढ़ पाए, तो ये बात किसने बोली थी अपनी इस बुक में? आपको बताया हुआ है मैंने कि ये बुक किसकी है, आपको करवाया था बैच क्लास में कि एमाइल ऑन एजुकेशन बुक किसकी है, फटाफट से ए बी सी डी देखिए और आंसर करिए। एमाइल ऑन एजुकेशन बुक किसकी है? और इसमें देखो वो, यस बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, रूसो की बुक है ये, और इसमें रूसो कितना अगेंस्ट बोल रहे हैं विमेन के कि औरतों को पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है, अगेंस्ट बोल रहे हैं ना विमेन के। और तभी तो फिर जो अपनी मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट हैं, इन्होंने इसके एमिली ऑन एजुकेशन के खिलाफ भी ये वर्क लिखा है और एडमंड बर्क का जो वर्क था उसके खिलाफ भी लिखा था, दोनों ही बुक सही हैं, दोनों के ही इसके रिस्पोंड में लिखा था, बट इसके अगेंस्ट भी इन्होंने ये वर्क लिखा है, ठीक है, यस, क्योंकि जो अपनी मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट है उनको ये बुक की जो अंदर फिलोसफी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि वुमेन की एजुकेशन के अगेंस्ट क्यों कोई राइटर बोल रहा है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ जी नितिका बिल्कुल बढ़िया,
हेलो विजेंद्र सिंह जी, अरेंज द फॉलोइंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए इसको। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, लिरिकल बैलेट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, और टॉमस पर्सी का एक वर्क है रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोएट्री। ये चलो मैं बता देती हूँ, ये 1765 में हुआ था। ठीक है, अब बाकी के तीनों आपको आते हैं, बाकी के तीनों आते हैं आपको। लास्ट मैंने बता दिया 1765, टॉमस पर्सी का वर्क था ये। टॉमस पर्सी से भी बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं जो फ्रेंच, जो अपने रोमांटिक राइटर्स हैं। बताइए, क्योंकि आपको पता है ये जो टॉमस पर्सी के का जो वर्क है ना रेलिक्स, इसी को ही देख के ही वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स भी लिखा था। लिरिकल बैलेड्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे टॉमस पर्सी के रेलिक्स से। ठीक है, ये आया था 1765 में। तो चलिए मैं इनको क्रोनोलॉजिकली सेट करवा देती हूँ। इसका आंसर आएगा 1765। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 89 से 99, 10 ईयर्स तक चला था ये। लिरिकल बैलेड्स आया था 1798 में, इसका फर्स्ट एडिशन आया था, तो 98 ही काउंट करेंगे। विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 92 में आया था। तो अब आप इसको अपने हिसाब से लगा लेना, मैंने डेट्स यहाँ पर आपको बता दी हैं। चलिए, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन इज, ये क्या चीज़ थी? एक पैम्फलेट था रिप्रोडक्टिव आईडी राइट्स के लिए, एक बुक लेंथ ऐसे है फीमेल की इक्वालिटी के लिए, एक पोइम है इंग्लैंड के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, या एक बायोग्राफी है किसी फीमेल राइटर की। बताइए ये क्या चीज़ थी? अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इस तरीके से ही क्वेश्चंस बनते हैं, देख लो कितने अमेजिंग क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इनको इनको बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, क्योंकि कभी-कभी तो सीधा पूछा जाता है कि राइटर कौन सा है, पूछा जाता है डेट्स कौन सी हैं, या ये टास्क किसको डेडिकेट हुआ, इसका सीक्वल प्रीक्वल। बट ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जी। तो बच्चे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ही मार खा जाते हैं फिर। यस, बी ऑप्शन, अ बुक लेंथ एसे कॉलिंग फॉर फीमेल इक्वालिटी। यस, चलिए, व्हाट इज द ओवरऑल आर्ग्यूमेंट, इस पूरे वर्क का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? विमेन को राइट्स दिलाने, विमेन को प्रॉपर एजुकेशन देनी, विमेन को घर पे रह के बच्चे पैदा करने या बच्चों को बड़ा करना, या विमेन को पॉलिटिकल लीडर्स साबित करना आदमियों से ज्यादा। बताइए क्या थी प्रॉपर, इसका मेन मोटिव क्या था मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट का ये वर्क लिखने के लिए? क्या वो वोट्स के लिए लड़ रही हैं? क्या वो एजुकेशन के लिए लड़ रही हैं? हाँ जी मुस्कान, हाँ जी जीनिया, नीलम, ममता, वेरी गुड पूजा मेहरा, जी साजन, पुलरदीप, गुरलीन, वेरी गुड, बी ऑप्शन। बेटा उन्होंने साफ साफ पहले ही वर्क में बोला था कि प्रॉपर अगर एजुकेशन होगी, अगर एक फीमेल एजुकेटेड होगी तो वो घर पे लाइक मेल का भी पूरा साथ दे सकती हैं और देश का भी पूरा साथ दे सकती हैं, नेशन और होम दोनों को ही बढ़िया चला सकती हैं अगर वो एक एजुकेटेड वीमेन होती है। तो लैक ऑफ एजुकेशन उनका मेन मोटिव था और प्रॉपर एजुकेशन देनी उनका मेन मकसद था, मेन आर्ग्यूमेंट था अपने इस वर्क का। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय वुलस्टोन क्राफ्ट? जी पहले मुश्किल से सुखप्रीत गला ठीक हुआ है। हाँ जी नीलम, गुड फीमेल, गुड वाइफ एंड नेशनल नेशन अपहोल्डर। यस, एक एजुकेटेड वुमेन, एक अच्छी फीमेल, अच्छी पत्नी और अच्छी नागरिक भी बनती हैं जी। अब इसमें से आपको कौन सी बुक बतानी है जो नहीं है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ये वुलस्टोन क्राफ्ट की बुक नहीं है, बाकी सारी ही बुक्स किसकी हैं? वुलस्टोन क्राफ्ट की। चलिए सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सब ठीक है। अकॉर्डिंग टू वुलस्टोन क्राफ्ट विमेन एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन, इनकी एजुकेशन किसके ऊपर मेन, किस चीज़ के ऊपर बनी होनी चाहिए, औरतों को क्या सिखाना चाहिए? लॉजिक और रीजनिंग, घर के कामकाज, झाड़ू पोछा बर्तन, ट्रेनिंग टू एडजस्ट इन ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट, या रिलीजियस मॉरल वैल्यूज? बताइए। थैंक यू नीलम, हेलो रवीना, गुड इवनिंग।
वेरी गुड, ए ऑप्शन। विमेन को अगर एजुकेशन सिखानी है तो वो एजुकेशन में क्या सिखाना है? लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी कि वो भी तर्क दे सकें। जब घर के बिजनेस में कोई बात चल रही है तो फीमेल भी अपना लॉजिक रख सकें, अपने अपने कमेंट्स रख सकें, ठीक है? तो अगर वो रीजनिंग नहीं दे पाएंगी, उन्हें सही गलत का नहीं पता लगेगा, तो उनकी एजुकेशन का फिर कोई फायदा नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट फेवर्ड। अब इसमें से काफ़ी सारी ऑप्शंस ठीक हैं, यानी कि ए बी सी डी भी ठीक हो सकता है, सी डी ई एफ भी ठीक हो सकता है, तो जो जो सही है उसको चूज करिए। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, जो सही है उसको चूज करके बताइए मुझे। क्या वो को एजुकेशन की बात कर रही हैं? वुमेन को प्रोफेशनल एंटर करना है मैन के साथ साथ, सेल्फ मास्टरी होनी चाहिए, या वो रूसो के थॉट को प्रेफर करती हैं? फेवर फेवर पूछा है यहाँ पे, रूसो के थॉट्स को फेवर कर रही हैं, या वो वुमेन राइट्स को फेवर कर रही हैं, या लिव लाइफ डिपेंडेंटली फेवर कर रही हैं वो, बताइए। चलिए, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बी सी और ई। किसी ने बोला है सी ई और एफ, ए बी ई और एफ, ये ऑप्शंस आ रहे हैं ना। और बताइए, और किसी को कुछ ऑप्शन देना है तो फिर मैं आंसर करूं। बी सी ई एफ दिया है नीलम ने। नहीं प्रिया, मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं इसके। चलिए अब देखो। जी हाँ जी, अलीशा, अलीशा का ठीक है। हाँ जी, अब चलिए मैं बताती हूँ इसको। वो कह रही है कि को एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि बॉयज़ गर्ल्स एक स्कूल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर फीमेल्स को, अगर जितना अधिकार मेल्स को है पढ़ने का, उतना फीमेल्स को भी है, तो वो दोनों एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। सही बात है। विमेन को भी प्रोफेशनली उतना ही आगे आना चाहिए जितना कि आदमी लोग प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेल्फ मास्टरी होनी चाहिए, वो एजुकेशन स्ट्रीम में आगे बढ़नी चाहिए। वो रूसो के थॉट को बिल्कुल अग्री नहीं करती, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। देन वो वुमेन के राइट्स को प्रेफर कर रही हैं। फिर वो एफ, लिव लाइफ डिपेंडेंटली, ओ सॉरी, एफ है इनकरेक्ट, सॉरी, एफ है इनकरेक्ट। वो क्या कह रही हैं कि लाइफ किसी पे डिपेंड होनी चाहिए? नो, ये तो मैरी शैली यही कहती हैं कि औरतें इंडिपेंडेंट जिए, चाहे वो अपनी शादी से बाहर रह के भी जीना चाहती हैं तो वो जी सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार, वो मैरिज के बहुत खिलाफ बोली हैं, ठीक है? मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट में मैरिज को क्या बोला था कि मैरिज है जो एनचेन्ड कर देती है एक फीमेल को, ठीक है, एनचेंड कर देती है, ना कि उसको ग्रोथ देती है, ठीक है, बल्कि बांध देती है जंजीर में, ठीक है। हाँ जी, इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो ये ठीक होता। तो एफ और डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, बाकी सारी ऑप्शंस ठीक है। चलिए, डैश यूज्ड फॉर हर एसे द फीमेल रीडर बाय मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट। इसमें से कौन सा नाम उन्होंने अपने इस एसे के लिए चूज किया था? द फीमेल रीडर, बताइए। द फीमेल रीडर लिखने के लिए उन्होंने कौन सा एक पेन नेम यूज किया है? मैरी इवांस, मिस्टर क्रेसविक, माई लेडी, लेडी मैरी। हाँ जी, हाँ जी, वो गिविंग और उसके बारे में भी बोलती हैं कि मैरिज में कुछ भी गिविंग नहीं होता। हाँ जी मुस्कान, बिल्कुल ठीक, सबका ठीक है। अभिलाषा, जीनिया, ममता, यस, बी ऑप्शन, मिस्टर क्रेसविक यूज किया था उन्होंने पेन नेम अपना। अच्छा, पेपर में लास्ट ईयर मास्टर कैडर में यही क्वेश्चन आया था कि मिस्टर क्रेसविक किसका पेन नेम है? मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट का। पर इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने किस वर्क के लिए ये पेन नेम यूज किया था? द फीमेल रीडर के लिए यूज किया था, ये उनका एक एसे था, ठीक है, द फीमेल रीडर। तो आपने अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। चलिए, अच्छा, पीछे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैरी इवांस किसका है? जॉर्ज एलियट का। माई लेडी पेन नेम किसने यूज किया था? जेन ऑस्टन ने, जब प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा था। ये लेडी मैरी कोई नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया था। और मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट ये इसका है।
चलिए आगे चलते हैं। डैश इज द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट। पहला पब्लिश्ड वर्क उनका कौन सा था बताइए। ए बी सी डी ऑप्शंस रखी हुई हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। पहला फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क, हाँ जी मुस्कान, वो जेन ऑस्टन का है, लेडी, यस अ लेडी। हाँ जी मैंने क्या लिखा है, अच्छा माई लेडी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है अ लेडी आएगा, अ लेडी जेन ऑस्टन का है, गलती से माई लिख दिया होगा मैंने, अ लेडी आएगा जेन ऑस्टन का। हाँ जी सी ऑप्शन, थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, ये भी उनका एक एजुकेशनल वर्क था, इसको हम क्या बोलते हैं, ये उनकी एक कंडक्ट बुक थी जिसमें उन्होंने लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ मोरल स्टडीज देने के लिए, मोरल शिक्षा देने के लिए ये वर्क लिखा था, स्पेशली बेटियों के लिए। डैश इज द ओनली कंप्लीट वर्क ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, उन्होंने चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट में कौन सा वर्क लिखा है। ए बी सी डी ऑप्शंस बताइए, स्पेशली चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर लिखा हो जो। हाँ जी जसिमरत जी, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर किया करो। ओके आरती, आरती एक बार मुझे कॉल कर लेना, मैं आराम से आपसे बात करके डिस्कस करूंगी, फिर बताऊंगी आपको, एक बार फोन कर लेना, ऊपर नंबर गिवन है देखो। यस 21 का डी ऑप्शन, ये उनका चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर उनका ये वर्क था बेटा, ये भी उनकी कंडक्ट बुक थी। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है ना कि ये बुक का क्या फॉर्म था। जी यस, चलिए। डैश इज द ओनली कंप्लीट नॉवल, कंप्लीट नॉवल कौन सा था। हाँ जी बिल्कुल ठीक नीलम, आप अपनी मेमोरी पे भरोसा रखिए, देखो आपको चीजें याद हैं। उनकी एनग्रेविंग्स किसने करी थी, विलियम ब्लेक ने, और क्लास में आते हो घंटी नहीं बजा के जाते। यस अलीशा, मैरी अ फिक्शन, जिसमें मैरी नाम की ही मेन कैरेक्टर है और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम एन होता है इसमें, जो फैनी ब्लड के ऊपर परसोनिफाई हुई है, मैरी अ फिक्शन, ये उनका इकलौता कंप्लीट नॉवेल है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट का। चलिए, इसकी डेट आप लोगों को याद है, इसकी डेट भी याद होनी चाहिए थी, बताइए डेट बताइए इसकी, मैरी अ फिक्शन की डेट। हाँ जी रवीना, हाँ जी 1788, क्या डेट आएगी 1788, जी बिल्कुल ठीक। चलिए, सब टाइटल ऑफ मैरी, मैरी नोवेल का सब टाइटल क्या है, अ रोमांस द रॉन्ग्स ऑफ वुमन, अ नोवेल अ फिक्शन। हाय प्रियंका नायर, बेटा जल्दी ही मास्टर कैडर की एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, टेंशन ना लो, और पहली बार चैनल पर आए हो तो बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, क्योंकि आप फाइनली हमें ढूंढ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आप पहली बार अगर आए हैं तो अब जाइएगा नहीं हमारे चैनल से, सारा कंटेंट देख के जाना, थोड़ा आइडिया दे दें, थोड़ा आइडिया यही हो सकता है कि 15-20 जनवरी तक हो जाएगा पेपर, तो इसलिए ही हम साथ साथ रिवीजन भी शुरू कर रहे हैं। अगर आपको अभी से ही बैच ज्वाइन करना है तो रिवीजन शुरू होने वाली है कल से ही, तो साथ साथ अभी ही आप फॉलो कर सकते हैं हमारे साथ अपना सारा कंटेंट। जी अ फिक्शन, मैरी अ फिक्शन 1788, बार बार स्क्रीन पर डेट लिख रही हूँ, चीजें देखने से याद होती हैं। मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ ना कि चीजें जितना विजुअली मैं आपको दिखाती हूँ, चीजों को जितना बार बार बोल के रिपीट करवाती हूँ, चीजों को रिपीट करती हूँ तो याद रह जाती हैं। चलिए, सब टाइटल ऑफ मारिया इज, मारिया का सब टाइटल क्या है, अ नॉवल द रॉन्ग्स ऑफ वुमन, अ नॉवल, अच्छा अ रोमांस और फिक्शन। मारिया का सब टाइटल मास्टर कैडर में लास्ट ईयर आया हुआ है, बताइए। जी हाँ जी प्रियंका, बिल्कुल प्रियंका, हमारी ऐप है इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारा कंटेंट उसमें दिखेगा कि कैसे कैसे क्लासेस चल रही हैं। यस द रॉन्ग्स ऑफ वुमन, बिल्कुल ठीक, मारिया द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, इसकी डेट बताइए, इसकी डेट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने पब्लिश करवाया था, क्योंकि ये इनका अनफिनिश्ड वर्क था, अनफिनिश्ड रह गया था। जी
यस, वेरी गुड नीलम, बहुत अच्छे नजर ना लगे आपको। 1798 में ये पब्लिश उनके हस्बैंड ने करवाया था, क्योंकि उनका ये अनफिनिश्ड वर्क रह गया था। ये देखिए, वही क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि अनफिनिश्ड वर्क इनका कौन सा रह गया था, जो कि सीक्वल भी है। जो कि सीक्वल भी है किसका? अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन का सीक्वल भी है। द इन विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन कब आया था? 1792 में। ठीक है, तो ये इसका अनफिनिश्ड वर्क जो आया था उसको क्या बोलते हैं? मारिया द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन। और ये कब आया था? विलियम गॉडविन उनके हस्बैंड ने पब्लिश करवाया था 1798 में। आरती क्या कह रही हैं? मैम क्या आप इसके कंप्लीट नोट्स दे सकते हैं? थी तो मैं वहां से कर। अच्छा नहीं बेटा, अगर आप हमसे परचेज करते हैं तभी आपको कंटेंट मिल सकता है, ऐसे नहीं मिल सकता जी। ये उनका मारिया एक, यस, उनका ये अनफिनिश्ड नॉवल है, एक पॉलिटिकल ट्रिटाइज है उनका। फुल नेम ऑफ ली हंट। अब ली हंट 25 क्वेश्चन पीछे हमने मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट पे किए हैं, नेक्स्ट कुछ 20 के करीब हम क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं। ली हंट पर बताइए फुल नेम क्या था उनका। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, रमन कुमारी। प्रियंका प्लीज आप ऊपर गिवन नंबर पे एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा आफ्टर द क्लास। हाँ जी, हेनरी जेम्स, जेम्स हेनरी, राल्फ हेनरी, हेनरी लाफ राल्फ। देखा, ये सारे जो ये ऑप्शंस बनाती हूँ ना, टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े, ये मेरे ही काम है, देख लो, ताकि आपको कंफ्यूज करूँ थोड़ा सा। हाँ जी, बी ऑप्शंस जेम्स हेनरी ली हंट। मेरे को पता नहीं ए ऑप्शन क्यों लग रहा है, पर आप लोग इतने कॉन्फिडेंटली बी ऑप्शन बोल रहे हैं तो बी होगा। जी अच्छा ठीक है नीलम, आज मैं ज्यादा सोने लग रही हूँ क्या? जी, जेम्स हेनरी टेढ़े मेढ़े कुरकुरे। हाँ पक्का बी ऑप्शन ही है ना? चलो, मैं खुद ही टेढ़े मेढ़े ऑप्शंस बना के कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं सही आंसर क्या आना है। तो देखो बेटा, अगर मास्टर कैडर के साथ साथ आप यूजीसी लिंग्विस्टिक्स बाकी का कोर्स भी देखना चाहते हैं तो ऐप पर है ये, यूजीसी का महापैक है डबल वैलिडिटी के साथ। तो जिसको आपको लगता है कि रिकमेंड कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। फेस्टिवल के टाइम के लिए ही डिस्काउंट चल रहा है, आफ्टर दैट सेम रेट हो जाएगा जो प्रीवियस था। तो ये यूपी और DSSSB के भी बैचेस रनिंग है। डैश मैगजीन फाउंडेड बाय ली हंट, बताइए जी। ममता बताइए कौन सी मैगजीन दी थी ली हंट ने? द बी, द यूथ, द एग्जामिनर, द थॉट। ये भी सारी ऑप्शंस मेरी बनाई हुई हैं, बताइए। यस, द एग्जामिनर दिया था जर्नल मैगजीन किसने? ली हंट ने। इसी में इन्होंने जॉन कीट्स और अब विलियम हेजलिट के वर्क्स भी छपवाए थे। द बी मैगजीन किसकी है, कोई बता सकता है? द बी किसकी है? द बी मैगजीन किसकी है, बताइए। हाँ जी, द एग्जामिनर उन्होंने पब्लिश करा था, जॉन हंट उनके ब्रदर हैं, उनकी हेल्प से, जॉन हंट का पूरा साथ था। ठीक है, और ये मास्टर कैडर में ये वाला क्वेश्चन आया भी हुआ है कि द एग्जामिनर को पब्लिश करवाने में किसकी किसकी हेल्प लगी थी? ली हंट और जॉन हंट की। मुझे ये बताइए कोई, द बी किसका था? वेरी गुड नितिका, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कोलरिज का ये मैगजीन थी। यस एनी। हाँ जी, रवीना ने तो चारों जर्नल्स बता दिए, यही फायदा होता है बैच क्लास में तैयारी करने का। बहुत अच्छे, ये स्पेशल क्लैपिंग्स फॉर एनी एंड नितिका, रवीना एंड पुलर साहब। हाँ जी, नहीं, ओलिवर गोल्डस्मिथ नहीं है, कॉलरिज का वर्क था ये दाबी। चलिए आगे, अबूबेन एडम इज रिटर्न इन कब लिखी गई थी? अबूबेन एडम कब लिखी गई थी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी प्रिया, बिल्कुल ठीक, 1834, वेरी गुड। अबूबेन एडम एक पोइम है, ली हंट की पोइम है, बहुत अच्छी पोइम है। ये आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी थी मैंने इसकी पूरी समरी, तो 1834 में।
नहीं रमन कुमारी जी, मैं चेक कर लूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि ये कोई न्यूज़पेपर भी था। द एग्जामिनर ली हंट ही लेके आए थे। हीरो एंड लियंडर इज अ पोइम बाय, फटाफट आंसर करेंगे, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, ली हंट, विलियम वर्ड्सवर्थ। जी हाँ जी रमन कुमारी जी, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड कमलेश। एंड चलिए चलिए क्लैपिंग हो जाए किनके लिए, जो क्लास में ढंग से नहीं सुनते हैं ना उनके लिए। किस किसकी किसकी ये बेइज्जती है देखें जरा। आदित्य वैदिक, पहली बार लगता है आप आए हैं, आते ही गलत आंसर कर दिया आपने। एंड रमन कुमारी जी, यही होता है बेटा, जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हो ना, जो मुझसे नहीं पढ़ाई कर रहे, वही गलत आंसर कर रहे हैं। और किसका गलत है? हाँ जी मुस्कान, आपको क्या हो गया? किसका वर्क है ये हीरो एंड लियंडर? ये स्लो क्लैपिंग है, स्लो क्लैपिंग है, ये बेस्ती वाली क्लैपिंग होती है, शाबाशी वाली क्लैपिंग नहीं है ये। 1819, कौन सा क्रिस्टोफर मार्लो 1819 में जिंदा था? कौन सा था क्रिस्टोफर मार्लो 1819 में? हीरो एंड लियंडर पोइम किसकी है? ली हंट की। किसकी है ये पोइम? ली हंट की पोइम है जी। क्रिस्टोफर मार्लो की भी ये पोइम थी, तभी मैंने जानबूझ के ये ऑप्शन में रखा है, और पेपर वाले भी यही करते हैं, जानबूझ के डालेंगे जी। तो क्रिस्टोफर मार्लो की भी ये थी, जो जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट करी थी, उनकी इनकम्प्लीट वर्क था, जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट करा था, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने 1819 डेट मेंशन की है, जिसमें ली हंट की पोइम थी ये जी। हाँ जी अच्छा ठीक है, 1 मिनट नीलम, मैं फटाफट साथ में यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। ओके, द बी मैगजीन लिखा हुआ है कि गोल्ड स्मिथ की है। अरे मुझे क्यों कॉलरिज याद आ रहा था? कॉलरिज भी सर्च कर लेते हैं एक बार इसके साथ, क्या पता कॉलरिज ने भी कुछ द बी का दिया हो। अच्छा नहीं, नितिका वो अपनी तो क्लैपिंग झूठी रह गई भाई। चलिए नीलम, आपका ये एहसान हम जल्दी ही उतारेंगे कि आपने लाइव क्लास में चलते चलते मुझे करेक्ट किया। अभी पीछे द बी पढ़ रहे थे हम, अभी अभी करेक्ट कर लो इसको। द बी किसकी है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ की है। ठीक है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ की है। हाँ जी, ये कॉलरिज मुझसे गलत हो गया, थैंक यू नीलम, आपने मेरा एक आंसर गलत करवाया है, आंसर सही करवाया है, तो उसका आपको इनाम भी मिलेगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो द बी किसका है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है, और एग्जामिनर किसका था? ली हंट का था। पता नहीं मुझे कैसे कॉलरिज याद आ गया, अगर कॉलरिज मुझे याद आया ना, तो उसका भी हम एक उपाय निकालते हैं, कॉलरिज की भी मैगजीन साथ के साथ ढूंढ लेते हैं। कॉलरिज, अच्छा आ गई, कॉलरिज की मैगजीन का नाम था द वॉचमैन। क्या नाम था? द वॉचमैन। अगर कॉलरिज मुंह से नाम निकला है, तो इसकी मैगजीन भी पता ही होनी चाहिए, कॉलरिज की मैगजीन का क्या नाम है? अच्छा, अरे वाह, भा रविंदर जी ने तो मुझसे भी पहले निकाल दिया जी। ठीक है, द वॉचमैन किसका है? कॉलरिज का। बी किसका है? ओलिवर गोल्डस्मिथ का। एग्जामिनर किसका है? ली हंट का। चलिए अब ये डाउट क्लियर हो गया, ये भी हो गया, और ली हंट हीरो एंड लियंडर भी हो गई। ली हंट पर की पढ़ाई कहाँ पर हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ली हंट की पढ़ाई कहाँ से हुई है? थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच। हाँ, अगस्टन एज वाले में मैंने करवाया हुआ है, वो द वॉचमैन कॉलरिज का है, द बी गोल्ड स्मिथ का है। हाँ जी जी किसका है ये वर्क? क्राइस्ट हॉस्पिटल में वो पढ़े हुए हैं। ये हॉस्पिटल एक अस्पताल वाला हॉस्पिटल नहीं है, ये क्राइस्ट हॉस्पिटल उनके स्कूल का ही नाम है। इसमें और कौन कौन पढ़ा हुआ है क्राइस्ट हॉस्पिटल में? अपने जॉन मिल्टन भी पढ़े हैं, इसलिए ही मिल्टन को हम लेडी क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये उनका निकनेम था लेडी क्राइस्ट। और चाइल्ड क्राइस्ट हॉस्पिटल में अपने चार्ल्स लैम भी पढ़े हुए हैं। ठीक है,
तो इतना पुराना स्कूल है ये जहाँ पर ली हंट पढ़े हैं, कि मिल्टन भी 1600s के हैं। मिल्टन 1600s में इनका, क्योंकि आपको याद है ना 1667 में अगर इसका पैराडाइज लॉस्ट आया है, तो 1600s के एरा में था मिल्टन। और चार्ल्स लैम्ब 1800 के एरा में है, क्योंकि 1833 में इसका एसेज ऑफ इलिया आया था, 1823 और 33 दोनों में आया था। और ली हंट भी 1800s के हैं। तो देखो 200 साल पुराना स्कूल है ये, और मिल्टन से भी पहले का ही होगा स्कूल तो ये, ठीक है। तो इतने पुराने स्कूल में पढ़े हैं वो। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ली हंट इज, जी अच्छा, वो क्राइस्ट कॉलेज है, ठीक है ठीक है। अच्छा कोई ना, इसको चेक कर लेंगे हम। यस 1850 ऑटोबायोग्राफी ली हंट की कब आई थी, 1850 में आई थी। और 1850 में और क्या क्या हुआ था, टेनिसन पोएट लॉरिएट बना था। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। 1850 में, एक मिनट, 1850 में इन मेमोरियम आया था टेनिसन का। और 1850 में क्या हुआ था, 1850, तीन चीजें तो, और तो ऊपर ही लिखा हुआ है, ऑटोबायोग्राफी आई थी किसकी, ली हंट की, ठीक है। कुछ चीजें, हाँ, तो इस डेट को हमेशा याद रखना है। अब ली हंट के साथ भी इसको कनेक्ट करना सीख लो। चलिए, स्टोरी ऑफ रेमिनी क्या चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर कैडर में प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। स्टोरी ऑफ रेमिनी क्या है, एक प्ले है, नॉवल है, पोइम है, ऐसे है, क्या चीज थी स्टोरी ऑफ रेमिनी। जी हाँ जी नूतन जी, नितिका, बस 8 क्वेश्चन और रह गए। पोइम है ये, हाँ जी, ये क्या है, पोइम है। चलिए, विच पोइम डिस्क्राइब्स द बैकग्राउंड ऑफ पोलो एंड फ्रांसिस्का स्टोरी फ्रॉम दांतेज इन्फर्नो। दांते के इन्फर्नो में से, इनमें से कौन सी पोइम ली गई है, दांते के इन्फर्नो को देख के ली हंट ने अपनी कौन सी कविता लिखी थी। द पेल्फ्री, एबुबेन एडम, स्टोरी ऑफ रिमिनी, अ नाइट रेन इन समर। हाँ जी नीलम, वेरी गुड, स्टोरी ऑफ रिमिनी लिखी थी दांते के इन्फर्नो से। तो अगर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि स्टोरी ऑफ रिमिनी लिखने के लिए ली हंट के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था, ली हंट के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था स्टोरी ऑफ रिमिनी लिखने के लिए, तो आंसर क्या आएगा, दांते। दांते की कौन सी बुक, इन्फर्नो, ठीक है। तो चीजें इस तरीके से रिलेट कर लिया करो कि कोई बंदा इस बुक को देख के अगर ये बुक लिख रहा है तो ली हंट के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस देखेंगे आप, दांते का देखेंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी मोल्ड होके भी आ जाता है। द पोइम सजेस्ट अ डिजायर फॉर अ नेचुरल अनएडोर्न्ड स्लीप विद नो आर्टिफिशियल लाइट और बैरियर्स बिटवीन द स्पीकर एंड द रेन। वो कह रहा है कि मेरे रेन और मेरे बीच में कोई भी ना आए, कोई भी ना आए, कोई आर्टिफिशियल लाइट ना आए, कोई बैरियर्स ना आए, कुछ ना आए मेरे और बारिश के बीच में। तो ये लाइन उसकी कौन सी कविता की है बताइए, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, अ नाइट रेन इन समर, ठीक है। बहुत प्यारी कविता है ये उनकी, इसी में ही वो रेन के बारे में बात कर रहे हैं और स्लीप के बारे में बात कर रहे हैं। इन विच पोइम द पोइट मेंशन द लव ऑफ गॉड, भगवान के प्यार के बारे में उन्होंने कौन सी पोइम में बात की है ली हंट ने, क्या आंसर आएगा, अबू बेन एडम ने बात की है, जो अबू है वो भगवान से पूछते हैं कि मेरा नाम कितने नंबर पे आता है आपके चाहने वालों की लिस्ट में, ठीक है। तो ये चीज वो इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, एंजल को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो एंजल वॉज राइटिंग इन द बुक ऑफ डैश इन अबू बेन एडम, एंजल कौन से कलर की बुक में ये सब कुछ लिख रही है कि कौन कौन भगवान को प्यारे हैं, किस बुक में लिख रही है वो, गोल्ड कलर की बुक में, सिल्वर, प्लैटिनम या वुड, किस बुक में एंजल ये सब नोट डाउन कर रही है। 36 का आंसर करेंगे, 4 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट से बता दीजिए। यस गोल्ड बुक में आंसर कर रही है, जो एंजल है वो सब कुछ गोल्ड बुक में मेंशन कर रही है। विच पॉइंट गिव अस द मैसेज दैट नो लव इज ग्रेटर देन द लव फॉर फेलो मैन, बताइए। नो लव इज ग्रेटर देन द लव फॉर फेलो मैन, कि आपस में इंसानियत से ही प्यार करना सबसे ऊपर है, भगवान से भी ऊपर है कि आप आपस में
इंसानियत से प्यार करें, अबू बेन एडम की ये मेन मैसेज है। चलिए, ओ लो बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, ये लाइन का क्या मतलब है? आपको बताया था मैंने, ये लास्ट लाइन है अबू बेन एडम की, तो लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है? हिज नेम इज नॉट मैंशनड, दैट हिज नेम इज एट द टॉप, ही इज नॉट वर्दी फॉर द लव ऑफ गॉड, हिज नेम इज ब्यूटिफुल देन अदर्स। खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, देख लो फटाफट से आंसर करो। यस बताइए, 38 का आंसर बताइए कि इसका क्या मीनिंग है, बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। 38 का बी, यस। हाँ जी, हाँ जी नीलम एंड फुलर साहब, दैट हिज नेम इज एट द टॉप, क्योंकि बाद में जब दूसरी बार सपने में आती है एंजल तो वो उसको बताती है कि सबसे ऊपर भाई तेरा ही नाम है। हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्स, जल्दी से आंसर करेंगे, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्स का कौन सा मेंबर नहीं है? कल ही हमने रोमांटिक एज के हिस्ट्री डिस्कस की है, रोमांटिक एज की करवाया हुआ क्वेश्चन है, कॉकनी स्कूल का मेंबर कौन सा नहीं है बताइए। जी बिल्कुल ठीक, विलियम वर्ड्सवर्थ मेंबर नहीं है, बाकी तीनों ही कॉकनी स्कूल के हैं। चलिए, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्स, जी लेक स्कूल ऑफ पोइट्स का मेंबर कौन सा नहीं है? फटाफट आंसर होगा, 40 नंबर लिख के आंसर करेंगे, कौन सा मेंबर नहीं है लेक स्कूल ऑफ पोइट्स का? हाँ जी नीलम, वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा इसका? ली हंट। 40 का क्या आंसर आएगा? ली हंट मेंबर नहीं है लेक स्कूल का, बाकी ऊपर के तीनों ही लेक स्कूल के हैं और ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। जी, व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ जैनी किस्ड मी, ओरिजिनल टाइटल क्या है इसका? विलेट, पोइम फॉर जैनी, रोंडू या नन ऑफ द अबव? ओरिजिनल टाइटल बताइए, जैनी किस्ड मी। 41 का आंसर, 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, 40 मिनट्स हो गए हैं क्लास को, फटाफट से आंसर करेंगे। जी हाँ जी प्रिया, वेरी गुड, सी ऑप्शन रोंडू था इसका ओरिजिनल टाइटल, जैनी किस्ड मी का। ली हंट वॉज डाइड इन द ईयर 1759, 84, 89, 1859, बताइए ली हंट कब इसकी डेथ हुई थी? 42 का आंसर, जल्दी से जल्दी। जी शगन सिद्धू, जी प्रिया, 1859, यस 1859 में इनकी डेथ हुई थी। चलिए, ली हंट वॉज अ ड्राइवर, क्लर्क, सर्जन और कॉबलर, क्या था ली हंट? ली हंट क्या था, एक ड्राइवर था, क्लर्क था, सर्जन था या कॉबलर था? आज हरमन क्लास में नहीं आई है, ना ही धर्मपाल सर आए हैं, है ना? जी क्लर्क था वो, कौन सी जगह का क्लर्क था? वॉर ऑफिस का। चलिए, ली हंट वॉज बोर्न इन द ईयर, किस जगह पर कब हुए थे उनके जन्म? 1784 में। नेक्स्ट द राउंड टेबल, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आ जाओ। द राउंड टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज बाय डैश एंड ली हंट, किसका किसका था? अच्छा बताइए, ली हंट के साथ ये किसने वर्क दिया था? हाँ जी, किसने दिया था? विलियम हैजलिट ने। जी, बिल्कुल ठीक, विलियम हैजलिट। चलिए बेटा, आज की क्लास ओवर होती है, 45 में से आप लोगों के कितने ठीक आए हैं मुझे आफ्टर द क्लास कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों की क्या प्रोग्रेस चल रही है, और लाइक शेयर कमेंट कर देना क्लास को, और शेयर ज़रूर करना अपने सखी संबंधियों के साथ, दोस्तों यारों के साथ, और ये टेलीग्राम को फॉलो किए बिना नहीं जाना, नहीं तो पाप चढ़ता है। ठीक है जी, चलिए कल का होमवर्क ले लेते हैं, कल का होमवर्क ले लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। क्रिस्टोफर मार्लो प्लस टर्म्स, ठीक है, और टर्म्स मैं आपको बता दूंगी कौन सी टर्म्स हैं, क्योंकि बैच क्लास में प्रॉपर आपको 1 से लेके ऐसे पूरी सीरीज बनाई हुई है टर्म्स की, तो टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। स्पेसिफिकली
1 to 40 का एक बार टेस्ट हो चुका है। चलिए 40 to 50 टर्म्स की जो आपका एक पीडीएफ दी हुई है, 40 to 50 टर्म्स, उसको प्लस प्लस 1 to 40 का जो पहले टेस्ट हुआ था वो भी, सबको 1 to 40 वाली भी रिवाइज करना और 40 to 50 वाली थी वो भी रिवाइज करना, ठीक है जी। थोड़ियां ही ने, मैं केड़ा दो राइटर दित्ते हैं, राइटर तो एक ही दित्ता है ना, वो भी कित्ता होया राइटर है, पहला क्रिस्टोफर मार्लो करवाया होया राइटर है। जो तो सारा काम इकट्ठा करोगे, लास्ट च पेपर देन जाओगे, उदो की कहोगे गवर्नमेंट नो कि सर अद्धा अद्धा पेपर ले लो। दसो मैनू, मार्लो ते टर्म्स ही दित्ती है, नाले दूजा राइटर नहीं दिता, तो औखा कोई नहीं है। चुप करके कल क्लास च आना, कल संडे है तो क्लास थोड़ी जी आप पहला ले लेंगे, 5 to 6 बजे के बीच ले लेंगे क्लास, ठीक है, क्योंकि संडे है, मैं भी शामी कितने जाना सी कल, तो 5 to 6 के बीच आना, ठीक है। हाँ जी रवीना, तो फटाफट अज राती बैठ के तुसी क्रिस्टोफर मार्लो नू प्रिपेयर करो, दिता होया काम है सारा, पूरी पीडीएफ दिती हुई है, उन्होंने दोबारा पढ़ो, पूरी वीडियो देखो क्लास, पूरी एक 1 आवर या 2 आवर की वीडियो होएगी, उन्होंने दोबारा सुनोगे, वीडियो सुनने नाल ही सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो टर्म्स दिया भी वीडियोस दितिया हुई हैं, प्लस वैसे तो टर्म्स हम तुम पीडीएफ पढ़ लोगे तो भी याद हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, जरूर हो जाएगा रवीना जी। चलिए हो जाएगा, आप नीलम आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप हो जाएगा। आप अभी जैसे ही क्लास ओवर होती है आप फटाफट से फोन ऑन करो, अपना ऐप खोलो, क्रिस्टोफर मार्लो की पीडीएफ खोलो और साथ साथ वीडियो चला लो उसकी, साथ एक वीडियो सुन के ही याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया करवाया हुआ है जी। प्रीत जी 40 to 50 इसलिए क्या है कि पहला भी 1 to 40 का टेस्ट कल्ला हो चुका है, ता क्या सी मैं। चलिए ठीक है, बाकी बैच स्टूडेंट्स के साथ मैं बैच ग्रुप में चैट कर लूँगी, आपको मैसेज में बता दूँगी, ठीक है। अभी क्लास ओवर करते हैं जी। चलिए नहीं, क्रिस्टोफर मार्लो ही मिलेगा, स्पेंसर अगले दिन, स्पेंसर अगले दिन मिलेगा, स्पेंसर वर्ड्सवर्थ दे नाल देवांगी, क्रिस्टोफर मार्लो ही है। चलो ओके जी, बाय बाय टाटा।